नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया वर्ष आप सभी को मंगलमय हो। ललितपुर लाइव टीवी की टीम की ओर से सभी को नव वर्ष की ढेर सारी ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर चौकी पुलिस की सतर्कता से एक पीड़ित महिला को तत्काल मिली मदद। पीड़िता श्रीमती पार्वती कुशवाहा पत्नी श्री जानकी कुशवाहा निवासी ग्राम मसौरा कला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है, जिसका ललितपुर के एक बैंक में खाता था, जहां बैंक की पासबुक के साथ पैसे निकालने के लिए भरा विड्रॉल फॉर्म खो गया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित बैंक अधिकारियों से खाता को फ्रीज करा दिया और नई पासबुक इशू कराई। इस तरह पुलिस की सतर्कता से महिला के खाते से 72,000 रुपए निकलने से बच गए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जखौरा अंतर्गत बांसी पुलिस चौकी को मिली सफलता। इसमें उन्होंने एक अभियुक्त को 650 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। विगत दिनों ललितपुर जिले के थाना नाराहट क्षेत्र अंतर्गत पैसों की लेनदेन को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में वांछित फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ललितपुर शहर के नवीन गल्ला मंडी में मंडी शुल्क के विरोध में जिला उद्योग व्यापार मंडल एवं गल्ला व्यापार मंडल के संयुक्त नेतृत्व में नवीन गल्ला मंडी परिसर में पुतले की अर्थी बनाकर व्यापारियों ने पूरे मंडी परिसर में घुमाकर शव यात्रा निकाली और सड़कों पर प्रदर्शन किया। दिनांक 5/1/2022 को थाना जाकलोन का नव निर्मित भवन का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया गया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत, माननीय सदर विधायक श्री रामचंद्र कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय श्री निखिल पाठक उपस्थित थे। रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित महिला छात्रावास का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय श्री आलोक सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गिरजेश कुमार उपस्थित थे। ललितपुर शहर कोतवाली के सामने स्थित शिक्षक रैन बसेरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन विगत दिनों हो चुका है। वहीं दूसरी ओर 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य पहले से ही लगातार क्रमबद्ध तरीके से जारी है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं, इसमें हम सबकी सुरक्षा है। तो वहीं कोविड वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों एवं 15 प्लस के बच्चों का वैक्सीन को लेकर क्या है कहना और मानना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज कुमार रैकवार की रिपोर्ट। आज जो है एडोलेसेंस स्टेज 15 से 18 के बीच के बच्चों को, किशोर वय उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन फर्स्ट डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें यह प्रिकॉशन ये है कि कम से कम आध घंटे उसको रेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियों में 10 मिनट भी बैठा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। देखिए, हमारे संपूर्ण जनपद ललितपुर में इस समय कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे 6 ब्लॉक नगर क्षेत्र ललितपुर में सभी टीमें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। यहाँ तक कि हम लोग रविवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से लाभान्वित कर सकें। अभी 3 तारीख से शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद ललितपुर में 15 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसके प्रति बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है और बच्चे खूब बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना संज्ञान में नहीं आई है और सभी बच्चों में एक अच्छा उत्साह है। नगर क्षेत्र ललितपुर में 2 स्कूलों में अब श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है,
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और श्री भरणीजन इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन का कार्य के लिए हमारी दो दो टीमें गठित की गई हैं और जो स्कूल से छूटे हुए बच्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पर रैन बसेरा में एक अलग से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए टीम को बैठाला है और आप देख रहे होंगे कि बच्चे बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन का कार्य करवा रहे हैं। अभी वैक्सीन के लिए जो हमारी गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, इसके अनुसार वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे हमें ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमारी चिकित्सीय टीम उस चीज़ को हैंडल करती है और इसमें यदि आपको वैक्सीनेशन के बाद कुछ एक केसों में यदि बुखार या हरारत टाइप की मालूम पड़ती है तो हम लोग वैक्सीनेशन के जस्ट बाद उनको एक टैबलेट देते हैं, पैरास्टामोल की टैबलेट, कि यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो इसको खाएं। उसके बावजूद भी यदि कुछ इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो शीघ्र ही ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। वैक्सीन एक अच्छी चीज़ है और लगवानी चाहिए सबको, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी। वैक्सीन सुरक्षा के लिए हमें ज़रूर लगवाना चाहिए, हमें दर्द नहीं होता। ललितपुर जिले के जागलोन पंप कैनाल से निकली नहर का पानी ग्राम मैरती माइनर तेल तक नहीं पहुंचने से खेती करने वाले किसान परेशान हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि जागलोन पंप कैनाल एवं राजघाट बांध की मशीनों को कम चलाए जाने से मैरती माइनर में तेल तक नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण मैरती माइनर क्षेत्र में खेत में खड़ी गेहूं की फसल सूख रही है। जब इस बारे में अधिशासी अभियंता से बात की तो वह हीला हवाली भरी बातें करते हुए नजर आए, तो वहीं खेतों में इन दिनों हरी भरी लहराती हुई फसलों को पानी की अति आवश्यकता रहती है, यदि इन्हें समय से पानी नहीं मिला तो वह सूख जाएंगी। आइए डालते हैं अब एक नजर ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र की ओर, तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। सरकार की ओर से जच्चा बच्चा स्वास्थ्य रखने को लेकर जागरूक किया जाता है। ललितपुर के कस्बा पाली की जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। तहसील पाली क्षेत्र की भी स्थिति ऐसी है कि आसपास के ग्रामीण और कस्बा पाली के स्वास्थ्य केंद्र में ताले लटके रहते हैं। इसके चलते गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही उनका रजिस्ट्रेशन, न ही समय पर दवाई और तो और बाहर से आने वाली गर्भवती महिलाओं को दूर दराज ग्राम से केंद्र पर आना, फिर केंद्र पर ताला लगा मिलना एक परेशानी पैदा करता है। जब स्वास्थ्य विभाग की नींद में है तो लोग कैसे जागरूक हों। कहाँ से आई आप? दूधाई से। और क्या काम था आपको आज इधर? एक बल्ब भी लगना थे, इंजेक्शन भी और कार्ड भी बनवाना। कितनी बार हो चुकी हैं आप इधर? एक ही बार आए हैं। कहाँ से आई आप? बंद। क्या किस लिए आई थी? इंजेक्शन लगवा। दो बार घूम चुके, दो इंजेक्शन लगना था, आई नहीं है। वृद्धा लगवाया था क्या? वृद्धा लगवाया। जनपद ललितपुर के थानापाली परिसर में होस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के लिए बिल्डिंग का निर्माण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें घटिया सामग्री की बालू लगाई जा रही थी, इस पर पहले भी थाना अध्यक्ष पाली ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब आलम यह है कि बिल्डिंग निर्माण में लगने वाला पाइप और बाथरूम फिटिंग में आने वाले पाइप बिना ISI मार्क एवं घटिया कंपनी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की इस बिल्डिंग के ठेके में जब सरकारी बिल्डिंग में ही घटिया सामग्री उपयोग में लाई जा सकती है तो अन्य जगह ये विभाग न जाने कितनी और घटिया सामग्री उपयोग में लाते होंगे। अब देखते हैं कि कब तक उच्च अधिकारी कब तक इसे संज्ञान में लेते हैं और कब इन ठेकेदारों पर कार्रवाई होती है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। इसी को देखते हुए आज नगर पाली में बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र इंग्लिश मीडियम स्कूल पर टीकाकरण किया गया है, जिससे आज 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पाली में आज क्षेत्राधिकारी कमलेश नारायण पांडे और थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज ने पुलिस बल सहित बस स्टैंड से कस्बे के बाजार तक पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिया। पैदल गश्त में थाना पाली के उप निरीक्षक कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल मौजूद रहे। श्री दिगंबर जैन मंदिर कुंडलपुर जी में
विराजमान करने के लिए जैन समाज पाली के चक्रेश रसिया और आनंद जैन रसिया द्वारा दो मूर्तियां विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये मूर्तियां जयपुर से अष्ट धातु से निर्मित है। ये प्रतिमा जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा फरवरी में श्रीमद पंच कल्याण महा महोत्सव में प्रतिष्ठित कर सूर्य मंत्र देकर कुंडलपुर मंदिर में चौबीसी के लिए विराजित होंगी। हर्षोल्लास के साथ नगर पाली के बस स्टैंड से शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह तोरण द्वार रंगोली से नगर को सजाया गया और महा आरती की गई। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार स्थित महामाई मैया के मंदिर पर समाजवादी पार्टी की ब्लॉक स्तरीय सेक्टर और बूथवार समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बूथ प्रभारियों और सेक्टर प्रभारियों से सुझाव लिए और इस पर समीक्षा बैठक मुख्य रूप से सात बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव में बूथ बार जातिगत गणना पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए कार्य करना है। सपा की पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ की राजनीति करती है और लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। आने वाले चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का आज संकल्प लेना है। पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सबको लड़ाई लड़नी है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। हम सबका जीवन तो निकल गया है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी राह पे चल सके, उन्हें नौकरी मिले और वो आजाद देश की जनता। तो वही पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा ने कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएं और अपने बूथ की स्थिति मजबूत कर सपा सरकार की योजनाओं के साथ फ्री बिजली और फ्री राशन की बात को भी जनता को समझाना है। त्योहार का दिन है, उस दिन का आप लोगों को उपवास रखना है। सुबह 6 बजे से निकल के पोलिंग बूथ पर वो सदस्य निकल जाएंगे जो सदस्य 15 सदस्य बूथ के, और जो उनको जहाँ एजेंट बनना है उन लोगों को वहाँ पहुँच जाना। लोहिया माइनिंग के जिलाध्यक्ष ने नितेश रजक ने कहा कि ये सरकार केवल झूठ फैलाने वाली है, जुड़ी खबरें और प्लांट पर कब्जा करने जैसी बहुत भ्रामक खबरें आप लोगों के बीच में आने वाली है 1-2 महीने तक, तो इन खबरों से बच के रहना है। कभी वही युवजन सभा के जिलाध्यक्ष नेपाल यादव ने कहा कि इस सरकार में प्रशासन की गुंडागर्दी से सभी त्रस्त है। और वो ऐसी जमीन नहीं है, बहुत कॉस्टली जमीन है, आपने देखा होगा कृष्णा टॉकीज के सामने, लेकिन उसके अभी कोई हम लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं करते। अगर कोई भी तिनका हमारे समाजवादी कार्यकर्ता ने अगर कुछ, युद्ध ब्रिगेड जिलाध्यक्ष ने हरदेश ने कहा कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेगी। सपा ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने बूथ समीक्षा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों सहित सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। अधिकार भी आपको है, आप अपने बूथ पर जाइए और अगर आपको लगता है कोई निष्क्रिय व्यक्ति है, वो काम नहीं कर रहा है या काम नहीं करना चाहता, क्या उसका कारण है, तो उसको हटाइए और दूसरे नए व्यक्ति को जो जोश और होश और पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहता हो उसे लेकर आइए। वही नेता रहेगा, वही नेता कहलाएगा, चाहे कोई बड़ा हो इनको। आप लोगों को अधिकार देता हूँ मैं, मंच से भी यही आग्रह करना। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार में खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य लगातार प्रगति पर है। यहां दबंग खनन माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े खुलेआम वन विभाग की जमीनों को खोदकर अवैध मिट्टी निकाली जा रही है एवं नदी नालों से बालू का अवैध खनन करते हुए फर्राटा भर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे इन तस्वीरों में कि खनन माफिया दिन दहाड़े किस तरह धरती का सीना चीरकर और नदी नालों से अवैध बालू निकालकर उन्हें ट्रैक्टरों में लादकर अवैध खनन के इस काले कारोबार को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं, जिसे खनन विभाग आंखें मूंद कर देख रहा है और पुलिस खनन माफियाओं को संरक्षण दिए हुए और हर महीने और हर चक्कर अपनी अपनी एंट्री वसूल रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार अंतर्गत ग्राम पंचायत गेंदोरा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां ग्राम प्रधान की उदासीनता के चलते गांव में ही नहीं हो रही है साफ सफाई और गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही यहां अगर सड़कों की बात की जाए तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे यहां पर बीमारी फैलने का खतरा ग्रामीणों को लगातार बना हुआ है। सफाई के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु यहां पर सफाई कर्मी हमेशा पुरानी कहावत के अनुसार जैसे गधे के सिंह की तरह गायब रहते हैं, जिससे यहां पूरे गांव की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है।
आखिर स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने वालों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ग्राम गेंदोरा से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। सर के यहाँ मच्छर फैला हुआ, गंदगी है पूरी, पूरे मोहल्ला में, पूरे कभी साफ नहीं होती है। सफाई कर्मी मान लो दो तीन महीना में एक बार आती है। प्रधान से नहीं बोला आपने नाली बनवानी? प्रधान से बोला है, प्रधान कहते हैं हो जाएगा। ना सफाई कर्मी आपके टाइम से आते नहीं आ रहे सर। इस गली में भी देख लीजिए आप, बिल्कुल ऐसे गंदगी। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार के अंतर्गत ग्राम सेमरा डांग के एक प्राइमरी स्कूल में कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज लगवाने के क्षेत्र की ग्रामीणों को जागरूक किया गया एवं तीसरी लहर में इस बीमारी से बचाव के संबंध में ग्रामीणों को समझाया गया। इस दौरान तहसील तालवेड़ से आए प्रशासनिक अधिकारियों ने वैक्सीन सेंटर पर अनुपस्थित कर्मियों पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई गई एवं लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सेमरा डांग से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ग्राम रोजगार सेवक सेमरा डांग से आज जो है प्राथमिक विद्यालय सेमरा डांग में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अपना सहयोग देकर वैक्सीनेशन में संपूर्ण जो है दायित्व निभा रहे हैं। इस समय अभी गांव में लगभग 25 लोग वैक्सीनेशन के लिए अवशेष रह गए हैं, उसमें श्रीमान जी नायब तहसीलदार महोदय तालवेड़ द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान 25 लोग अवशेष रहे। हम सब लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 25 लोगों को वैक्सीनेशन करवा कर वैक्सीनेशन के लिए मना कर रहे हैं, उनको कानूनी कार्रवाई में लेते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके उपरांत उनको वैक्सीन भी लगवाना पड़ेगा। इसलिए जो है जो सज्जन जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए अवशेष रह गए, हम लोग मेहनत करके उनको वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से लगवाए जाएंगे। और हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि जल्द से जल्द दोनों डोज समस्त ग्रामवासियों को लगवाकर पूर्ण करेंगे, और सभी लोग से निवेदन है कि वो जल्द ही अपने दूसरा डोज लगवा लें वैक्सीनेशन का। आइए डालते हुए एक नजर ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र की ओर। जब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। तहसील तालबेट एवं पूरा कला क्षेत्र से ललितपुर लाइव टीवी के लिए दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेट इमरान अहमद के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी तालबेट कार्यालय पर नगर क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक एवं व्यापारियों के साथ कोविड 19 के संबंध में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए कि सभी गाइडलाइंस का पालन करने एवं कराने का अनुरोध किया गया तथा सभी व्यापारियों से सुरक्षा की दृष्टि को लेकर अपनी अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का अनुरोध किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झानवर के मजरा मातेरा करोई में हुआ वैक्सीनेशन, जिसमें ग्राम प्रधान लेखपाल और कोटेदार एवं आशा और आंगनबाड़ी सहायिका सहित सभी मौजूद रहे। प्रधान प्रतिनिधियों के द्वारा कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान क्षेत्र में लगातार चलाया जा रहा है और साथ ही ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पूरा कला क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगने वाले थाने मोहनगढ़ एवं टीकमगढ़ के पट्टा घाट एवं गुमटा घाट का आज थानाध्यक्ष राजकुमार यादव ने किया मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले बॉर्डर का निरीक्षण किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बांसी में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लेखपाल धर्मेंद्र राजपूत ने कस्बे के कुछ समाज सेवियों के साथ कस्बे की बस्ती में विधवा महिलाओं को कंबल बांटे, जिससे कि ठंड से कुछ राहत मिल सके। इस अवसर पर तेज तर्रार युवा पत्रकार राघवेंद्र यादव, ब्रजेश पटेले, सूरज यादव, पवन माली, अनोखी देवी, रतिराम अहिरवार सहित दर्जनों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बांसी से अनुराग कुशवाहा की रिपोर्ट। ल
ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में हुआ जैन मुनि श्री सुप्रभत सागर जी का भव्य आगमन। कस्बा बानपुर में पदा विहार करते हुए मुनि श्री सुप्रभत सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का भव्य आगमन हुआ। उनका आगमन मैरोनी क्षेत्र से बानपुर में हुआ, जहां उनका बानपुर जैन समाज की ओर से भव्य तरीके से स्वागत किया गया और कस्बा बानपुर के धर्म प्रेमी भक्तगण सुबह से ही मुनिश्री की आगवानी की तैयारियां करने में लगे रहे और दिन के 2 बजे के लगभग बानपुर से भक्तगण वीर गांव तिगैला पर मुनिश्री की आगवानी के लिए पहुंच गए। मुनिश्री के सानिध्य में कस्बा बानपुर में 21 जनवरी से 27 जनवरी 2022 तक श्री मजीन्द्र शांतिनाथ चौबीसी तथा मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ के साथ गजरथ महोत्सव का होना लगभग तय है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसको लेकर आज मुनिश्री की भव्य आगवानी में डीजे की धुन पर भक्तगण खूब थिरके और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों ने खूब जमकर नृत्य किया। कस्बे के प्रत्येक घर के बाहर लोगों ने रंगोली सजाई और मंगल आरती के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बानपुर से प्राशु जैन की रिपोर्ट। अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम संदीप है। कहां से आए? ग्राम सिलगन के हैं हम। थाना ललितपुर है, दलवारा चौकी ब्लॉक देखोरा जिला ललितपुर। क्या समस्या लेकर? ये समस्या है कि हमारी बहन को अगली बार ससुर ने मारा था और अब की बार देवर ने मारा है और हम लगातार 3 तारीख से एप्लीकेशन दे रहे हैं थाने में, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम DM के पास आज लेकर आए हैं, हमारी थोड़ी बहुत यहाँ से सुनवाई हो जाएगी तो हमारी बहन बच जाएगी, क्योंकि रात में उन्होंने मारने की धमकी दी, खाना पीना भी नहीं दिया, ऐसे ही हमारी बहन पड़ी रही और उन्होंने कहा है कि तुमने मारा भी अच्छा नहीं मारा, उसका पैर तोड़ के रखना था, तब वो चलने लायक नहीं रहती, ना रिपोर्ट करने जाती ना DM के पास जाती, इसलिए हमारी बहन को खतरा ही खतरा है। 3 तारीख से दे रहे हैं रिपोर्ट अभी तक कोई ना, तो उन्होंने ये कहा कि इनको अच्छा मानना था इसलिए वो ना रिपोर्ट करती ना DM के पास ना किसी के पास। यहाँ DM साहब के पास आए हैं अपने न्याय के लिए, हमारा न्याय ग्राम कल्याणपुर। क्या समस्या लेकर अपना नीति के पैसा नहीं मिल रहा है, ये लड़का इतने ठीक है उनको दिलवाएगा। 18 साल की बच्ची जोड़े समस्या क्या है? मूल समस्या क्या है? यही समस्या है, मूल समस्या ये है कि 18 साल की बच्ची है भी हमारे जोड़े जाए। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ से आए हैं? गहरा। क्या समस्या लेकर आए? बंदा में जमीन डूब गई पानी की, आप जमीन मिल रहा। आज कहाँ आए हैं आप? DM साहब। क्या मांगे आप? क्या नाम है आपको? हमारा देवंती। कहाँ से आई हैं? हम तालबेट तरक वहाँ से। क्या समस्या लेकर आए? हमने ये समस्या लेकर आया कि हमारा कमरा नहीं बना नंदरा प्रधान। कौन है प्रधान आपका? प्रधान है नंदलाल। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हम यहाँ पर कर रहे हैं SDM के बंगला। इसके पहले की थी कहीं पर? हाँ की थी ब्लॉक में। क्या कार्रवाई हुई है वहाँ? नहीं कुछ नहीं भाई। आई हैं आप? DM साहब के बंगला पे आए हैं। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारा तो बस कमरा के लिए आए हैं, हम तो पात करवाए हमारे तो भागवती। कहाँ से आई हैं? अच्छा, क्या समस्या है आप? कमरा नहीं है, कमरा गिरा, कमरा वाले। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे क्या आज कहाँ आई हैं? आज तो यार बंगला पे आई हैं, DM के बंगला पे। क्या मांग है आपकी? जी कमरा बनवाना। जी क्या नाम है आपका? मजली बहू। कहाँ से आई? सिलगंज से। क्या समस्या ली? हमारी लड़की के लिए सास ससुर से जहाँ छोटे लड़का के लिए वो मारपीट कर रहे हैं, पहले ससुर ने मारा था और अब सास ससुर दो ही लड़का के लिए छोटे लड़का के लिए कहेंगे तुम इसके लिए मारपीट करो, हाथ घोड़े तोड़ो, हम जमीन बेच बेच के पैसे लगाएंगे और इसको खाने को नहीं दो, इसके हाथ पांव तोड़ो, इसको मार डालो, हम इसकी जमीन बेच के पैसे लगाएंगे। और लड़का कुछ कहता नहीं है, वो उसी गीतर पे बोलता है।
हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की के लिए परेशान कर रहा है, ये ढंग से रखने लगा। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ? हमने शिकायत महिला थाने में दी, कोई सुनाई नहीं भाई, और थाने में भी दी कोई सुनाई नहीं भाई। 3 दिन से बोल रहे कि आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन जाते नहीं है। आज कहाँ आए? आज हम आए आए बंगला पे, डीएम साहब के बंगला पे आए हम। क्या मांगे आप? आज हमारी ये मांग है कि आप ये बताओ कि जी ऐसी ऐसी बोल रहे हैं, हम क्या करें? ये तो पैसे वाले हैं और जमीन वाले हैं, हम क्या करेंगे? कहाँ ले जाएं लड़की के लिए? 2 बच्चे हैं। क्या मांग है आपकी डीएम साहब? हमारी ये मांग है कि इनके लिए जैसे हमारी लड़की को मारे ऐसे इनको बंद करवाया जाए, इनके हाथ पाँव इनकी खुद तोड़वाया जाए पुलिस वाले। क्या नाम है आप? हमारा रेणुका। कहाँ से आई हैं? हमारे तरगुआ तरगुआ से। क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या जो है कि ब्लॉक पे गए, वहाँ भी सुनाई नहीं हुई, और कमरा 5 साल से दिलासा दे रहे हैं नहीं बने। कौन दे रहा है दिलासा? नंदू सेठ है प्रधान, नंदलाल का कोई भी कहो वो नहीं सुनता है, वो कहता हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? ब्लॉक सिवाय कहीं नहीं आए, अब पहली बार आए हम डीएम साहब के बंगले पे ऑफिस पे। क्या मांग है आप? हमारी जी मांग है कि हमको मकान दिलाओ जाए, आवास दिलाओ जाए, सुनाई हुए कष्ट करें, इंक्वायरी करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई, तिरपाल एंड रही हूँ और मैं खुद चौका बासन करती हूँ, आज जाओ मर हो गई घिसते घिसते। वो जय हम अधिकारी के पास आए हैं, वो इंक्वायरी कर ली है, जय में निर्विधन है साहब, वो मजूरी है तो मजूरी नहीं मिलती, क्या करें? लॉकडाउन लग जाने से घर घर कर। कहाँ से आई हैं? तो क्या समस्या लेकर आई हैं? हमारी जब बहुत दिन की समस्या है साहब, शनिवार। समस्या क्या है? हमारे नाम धरती है और हमारा आवास आ गया है, और लेखपाल सरमान रमेश लोकेश राम किशोर जी बनन गए। तो आपने कहाँ कहाँ से? हमारी रात में उनने बॉन्डी उठा ली, और रात में आए हम सवेरे को शनिवार को, सब ने प्रधान भी हैं, प्रधान के मोहन लगी, दस्तखत लगी, सब ने शान कर दिया, और भंसारे को दीवाल मिटवे की जगह और झोपड़ी डाल लिया। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? हमने सब जगह दे ली, अकेले सीओ नोनो गई और सब जगह फिल्ला। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं भाई। आज कहाँ आई हैं? आज डीएम साहब के बंगला। क्या मांगे आप? आप जो है कि हमारी जैसी बॉन्डी बन गई, हमने रात ही रात बना ली तो तोड़ के वो अपनी जगह में बना। क्या नाम है आपका? गुलाब भाई। कहाँ से आई हैं? यहाँ से। तो क्या समस्या लेकर आई हैं? कुआ की। क्या समस्या है कुआ? कुआ की जो है कि प्रधान में सिक्योरिटी ने जेरी ने इन लोगों ने 5-6 महीने निकाल लिया पैसा। हम लोग कितना पैसा निकाल लिया? 5 लाख बना था। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने शिकायत साफ सब जहाँ कर ली। क्या कार्रवाई हुई है? हाँ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 1.5 साल हो गई डीएम नवाए, सीओ साहब नवाए, और सुबह ब्लॉक में पहुँची हूँ तो ऐसे दबा लेते नहीं पहुँचा थी, हम बिल्कुल फाल दाब लेते हैं डीएम के लिए आया है। मैं आगे कहा नहीं आया आप डीएम। क्या नाम है आपका? राम सागर पंडित। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से, अभी कल्याणपुरा से। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या ये लेकर आए हैं, हम लोग मजदूरी किया सिलावन में, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परमिट नहीं दिया ना कंपनी दे रहा है। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है इसकी? हमने तो एस डी एम ऑफिस में भी शिकायत किए हैं और सी एम साहब को भी शिकायत किए हैं। कितना पैसा है आपका? 2,52,000 है। वो आपने पैसे मांगे तो क्या बोलते हैं? कुछ जवाब नहीं देता है, फोन नहीं उठाता है। अच्छा, आज कहाँ आए हैं आप? अब आए हैं यहाँ, अभी आए हैं डीएम साहब के पास। क्या मांगे आप? हैं पैसे की ये मांग की है तो। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें, एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।